बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी झनकदार आवाज के बल पर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कनिका कपूर 21 अगस्त यानी आज अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। कनिका के गानों को न सिर्फ भारत में ही बल्कि दूसरे देशों में भी खूब पसंद किया जाता है। आज कनिका कपूर की लंबी फैन फॉलोइंग है और उनके गाए गानों के लाखों लोग दीवाने हैं। कनिका बॉलीवुड में सिंगर के तौर पर गाने तो गाती ही हैं, इसके अलावा कई बार उन्हें सिंगिंग रियलिटी शो को भी जज करते देखा जाता है। आज कनिका बॉलीवुड की सबसे हिट सिंगर्स में शुमार हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह आर्थिक और मानसिक रूप से काफी परेशान थी, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर अलग मुकाम हासिल किया। तो चलिए जानते हैं कनिका कपूर की जिंदगी की कुछ खास बातें। 21 अगस्त 1978 में जन्मी कनिका कपूर का जीवन काफी संघर्षों भरा रहा है, लेकिन उन्होंने मेहनत के बल पर अलग मुकाम पाया है। बता दें कि कनिका कपूर ने 8 साल की उम्र से पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा से संगीत सीखना शुरू कर दिया था और महज 12 साल की उम्र से ही काम करने की शुरुआत कर दी थी। उस दौरान कनिका ने ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में परफॉर्म किया था। उसके बाद से कनिका ने अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। कनिका कपूर ने अनूप जलोटा के साथ भी भजन भी गाए हैं और इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड को भी कई सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं। कनिका ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो साल 2012 में रिलीज किया था। इसके अलावा रागनी एमएमएस के गाने बेबी डॉल में सोने दी से कनिका कपूर सबसे ज़्यादा चर्चा में आई। इस गाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर की श्रेणी में फिल्म फेयर भी मिला था। इसके अलावा चिट्टियां कलाइयां भी उनका मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग है। कनिका कपूर की आज देश से लेकर विदेशों तक लंबी फैन फॉलोइंग है और वह इंडस्ट्री की सबसे महंगी सिंगर्स में एक हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास अपने बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। दरअसल जब कनिका सिर्फ 18 साल की थी, तभी उनकी शादी 1997 में लंदन के एक NRI बिजनेसमैन के साथ हुई थी। बाद में कनिका और राज का तलाक हो गया। तलाक के दौरान वे 3 बच्चों की मां थी। उस दौरान कनिका को काफी संघर्ष करना पड़ा था।